नमस्कार जी। देखिए, यहाँ पर आज मैं दोनों हाथों का यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथों का मिला के पाम एनालिसिस करूँगा, आप लोग समझिएगा। क्योंकि जब भी कोई भी हाथ देखा जाता है तो दोनों हाथ को देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही हाथों में जो रेखाएं कॉमन होती हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, और जो रेखाएं कॉमन नहीं होती हैं वो कम प्रभावशाली होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी रेखाएँ बिल्कुल कॉमन है। जैसे जीवन रेखा बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ से निकलते हुए, जीवन रेखा इस तरह से कॉमनली बिल्कुल यहाँ पर आके शुक्र पर्वत में अंत हो रही है, करीब करीब मणिबंध में जाकर टच हो रही है। सेम चीज़ यहाँ भी जीवन रेखा पूरी तरह से यहाँ पर जाकर मणिबंध में टच होते हुए नजर आ रही है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति की आयु जो है वो पूर्ण आयु है, लगभग 90 वर्ष की आयु इनकी बनती है। इसके बाद मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा का उद्भव जो है वो जीवन रेखा के साथ साथ निकलते हुए यहाँ पर आके चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत के बीच में आके रुक रही है। सेम चीज़ लेफ्ट हैंड में भी इसी तरह से मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत के बीचों बीच आके रुक रही है, यानी मस्तिष्क रेखा भी दोनों हाथ में कॉमन है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रेट सोचता है, बहुत क्लीन कट सोच रखता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर इसका दिमाग नहीं जाता, यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। इसके बाद जाते हैं हृदय रेखा की, और हृदय रेखा की भी लंबाई जो है करीब करीब बृहस्पति पर्वत में पूरी तरह से अंदर तक जा रही है। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो हृदय रेखा की पूरी तरह से लंबाई जो है यहाँ तक, यानी शनि का पर्वत और गुरु के पर्वत में ख़त्म हो रही है, लेकिन एक पतली सी शाखा इससे बाहर निकलते हुए गुरु पर्वत तक जा रही है। तो हृदय रेखा की लंबाई भी 75 के क्रॉस होते हुए बिल्कुल बृहस्पति पर्वत के बीच में जा रही है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति की जो आयु है वो कम से कम 90 वर्ष की होने की संभावना है, क्योंकि जीवन रेखा और हृदय रेखा दोनों को मिलाकर ही जीवन का तय किया जा सकता है। हालांकि हृदय रेखा लास्ट में थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत होने की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन में रहेगा और अपने हर काम को बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से करेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में डिसिप्लिन होते हैं उनकी आयु काफ़ी अच्छी होती है। अब जाते हैं भाग्य रेखा में। भाग्य रेखा की उत्पत्ति यहाँ से जीवन रेखा से निकलते हुए एक शाखा इस तरह से फिर जाकर शनि पर्वत के ठीक नीचे आके रुक रही है, और यहाँ पर एक क्रॉस बनाते हुए यानी मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करके, हृदय रेखा को क्रॉस करके लास्ट में एक रेखा आ रही है शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच से, उसके पहले ये ब्लॉक होके बंद हो रहा है। सेम चीज़ अगर हम लेफ्ट हैंड में देखें तो यही शाखा इसी प्रकार से ऊपर की ओर जाते हुए यहाँ पर आके रुकी नहीं है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। हालांकि यहाँ पर भी एक रेखा है जो इस तरह से इसको काट रही है। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये आएगी, इनके रिटायरमेंट का जब टाइम आएगा तो इनको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क में गड़बड़ी की वजह से इनका पैसा रुक सकता है, या अगर इनका प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो रुक सकता है, या कोई भी मैच्योरिटी होने वाला पैसा है वो रुकने में, मतलब रुकने की पूरी परिस्थिति बन रही है। और एक चीज़ ये दिक्कत देता है कि कोई भी पुश्तैनी संपत्ति में भी विवाद होता हुआ दिख रहा है। किसी पुश्तैनी संपत्ति को प्राप्त करने में इनको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। इन सबको मिटा देते हैं। अब छोटी रेखाओं को देखते हैं या पतली स्पर्श रेखाओं को देखते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं जो है मंगल पर्वत से निकलते हुए ऊपर की ओर जा रही है, इस तरह से बनी हुई है। जबकि लेफ्ट हैंड में भी रेखाएं हैं, लेकिन बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, दो ही रेखाएं बनी हैं। बाकी छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर आके जीवन रेखा को टच कर रही हैं, यहाँ पर भी छोटी छोटी रेखाएं आके जीवन रेखा को टच कर रही हैं। तो इस तरह से मंगल पर्वत से कोई भी शाखा आके जीवन रेखा पर अगर टच करती हो तो व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएँ आती हैं। इसके अलावा दोनों ही हाथों में वृहद त्रिकोण बनता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये त्रिकोण बना हुआ है, बहुत ही साफ रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का त्रिकोण बनना, जैसा कि आप देख चुके हैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में, कि ये त्रिकोण व्यक्ति को समृद्ध बनाता है, पुश्तैनी संपत्ति दिलाता है, साथ ही साथ सुख सुविधा की सारी चीज़ें ये करके देता है। यहाँ पर जो बुध की रेखा है लेफ्ट हैंड में, बुध की रेखा के नीचे भी एक शाखा बनते हुए इस तरह से बन रही है, ये इंट्यूटिव लाइन कहेंगे। इंट्यूटिव लाइन व्यक्ति के अंदर अंतर चेतना को दिखाता है, यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर चीज़ों को समझने की और पहचानने की बहुत अच्छी परख होती है। यहाँ पर दो दिक्कत बहुत ज़्यादा जो दिखाई दे रही है दोनों ही हाथों में, वो है चंद्र का पर्वत। चंद्र का पर्वत दोनों ही हाथों में थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को डैमेज दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए अंदर खड्डा सा बना हुआ है, चंद्र की रेखाएँ बनी हुई हैं लेकिन हाथ जो है यहाँ पर दबा हुआ दिख रहा है, ये वाला हिस्सा भी छोटा है। चंद्र का पर्वत अगर स्थिर ना रहे तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा विचलित होता है, या परिस्थितियों के अंदर में विवश होकर कई बार डिप्रेशन में भी जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि
इनका बृहस्पति लगभग ठीक है और हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत में जाने की वजह से ऐसे लोग उदारवादी होते हैं या उदारचित होते हैं। परिस्थिति जितनी भी खराब हो जाए, अगर ये मन के अंदर शांति बना के रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से विपरीत परिस्थितियों को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। शुक्र के पर्वत की स्थिति देखें तो शुक्र के पर्वत में सीधी लंबी रेखाएं बनी हुई हैं, लेफ्ट हैंड में भी करीब करीब ये रेखाएं बनी हुई हैं, जो ये साफ रूप से कहती हैं कि शुक्र और स्किल्स यानी इनके अंदर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना, डिटेलिंग में जाना और अपने स्किल्स को, अपनी जितनी भी नॉलेज है उसको हमेशा अप टू डेट रखना इनके अंदर बना रहेगा और लगातार अपने जीवन में ये तरक्की करेंगे। इस हाथ में सूर्य की उंगली की ऊंचाई जो है, अगर आप देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से गुरु की उंगली से बहुत ज़्यादा है और शनि की उंगली के लगभग लगभग थोड़ा सा नीचे बना हुआ है, बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता रहती है, जिस वजह से व्यक्ति जो है अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। लेकिन जब भी इनकी पर्सनल डिसीजन लेने वाली बात है या बहुत मेजर डिसीजन लेना है तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई मेंटोर की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनके गुरु की उंगली की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा ही कम है, जिस वजह से अपना गुरुबल, गुरुत्वाकर्षण के साथ जो काम करना होता है उसमें कभी कभी ये लैग करेंगे यानी पीछे रह जाएंगे। इस वजह से ऐसे लोगों को अच्छे मेंटोर की, अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सूर्य के पर्वत में देखें तो सूर्य के पर्वत में एक सीधी रेखा है और उसको काटती हुई दूसरी छोटी रेखा और यहाँ पर इस तरह से त्रिशूल बना है, लेकिन लेफ्ट हैंड में ऐसी कोई रेखा नहीं है। लेफ्ट हैंड में सूर्य का पर्वत बिल्कुल क्लीन है, तो कहीं ना कहीं आप सूर्य का जो इफेक्ट है इनको 50% मिल सकता है और इसी वजह से शायद इन्होंने यहाँ पर सोने की अंगूठी पहनी है, यहाँ पर शायद माणिक रत्न भी धारण करा हुआ है, जिस वजह से सूर्य को बल मिले और इनका आगे जाकर एक स्टेबल जॉब या सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है या ऑलरेडी सरकारी नौकरी में ये है। यहाँ पर अंगूठे में एक यव बना हुआ है राइट हैंड में पूरा कंप्लीट, लेफ्ट हैंड में भी यही यव कंप्लीट बना हुआ है, तो यव का बनना भी प्रॉपर्टी दिलाता है। ये व्यक्ति अपने पैसे का अपना प्रॉपर्टी तो बनाएगा ही, लेकिन क्योंकि शनि पर्वत में यहाँ पर आके जो भाग्य रेखा ब्लॉक हो रही है और यहाँ पर आके क्रॉस बना रही है तो कहीं ना कहीं पुस्तैनी संपत्ति मिलने में इनको विवाद रहेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, कितना डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और अपने हाथ का बहुत ही बेहतरीन और इन डिटेल वीडियो प्राप्त करें। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।